गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का अभिप्राय ये है कि जो मृदा उपजाऊ मृदा होती है उसकी क्वालिटी डाउन होना। डाउन होना मतलब जैसे कोई प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन में कमी हो जाना। अब बात आती है भूमि निम्नीकरण यानी भूमि का लेवल डाउन होना। अब भूमि निम्नीकरण होता क्यों है, उसके प्रमुख कारण चार कारण। पहला, खनन और गहरी खाई क्षेत्रों को खुले में छोड़ देना, उसका कोई निस्तारण नहीं करना। इस कारण मुख्य रूप से और वनों का उन्मूलन हो रहा है, जहाँ वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। ऐसे तीन राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन क्षेत्रों में भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है उसका प्रमुख कारण है गहरी खदाई खनन की वाली क्षेत्रों को खुला छोड़ना और वनों का उन्मूलन, बड़े भारी मात्रा में वनों की कटाई। दूसरा, पशुपालन। स्वतंत्र रूप से पशुपालन किया जा रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अत्यधिक पशुचारण से यहाँ भूमि निम्नीकरण हो रही है। साथ ही अत्यधिक सिंचाई के कारण, यानी भूमि निम्नीकरण का तीसरा कारण है अत्यधिक सिंचाई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा है। अत्यधिक मात्रा होने के कारण यहाँ ये ज्यादा सिंचाई का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ भूमि निम्नीकरण हो रहा है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, जिससे भूमि और जल प्रदूषण दोनों ही होते हैं, ये मुख्य स्रोत बनता है। अब आता है कि ये जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है, इसका समाधान क्या किया जाए। तो इसके समाधान में सबसे पहला समाधान ये है वृक्षारोपण। अधिक से अधिक वृक्षों को लगाया जाए, साथ ही वृक्षों की एक श्रृंखला लगाई जाए, एक मेखला लगाई जाए, ताकि भूमि के निम्नीकरण को रोका जा सके। जो रेतीली झाड़ियां हैं, जो रेतीले टीले हैं, उन पर कंटीली झाड़ियां लगा के उसको रोका जा सकता है। और औद्योगिक अपशिष्ट जो हम सीधा मिला रहे हैं जल नदियों में, इसको रोका जाए, ताकि भूमि और जल प्रदूषण दोनों को रोका जा सके। थैंक यू।